हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय चैनल न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। हम आज जो है कैलकुलस का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको फर्स्ट चैप्टर भी करवाऊंगी। जिन बच्चों ने फर्स्ट के लिए जो कमेंट किए थे वो ये मत सोचना कि फर्स्ट चैप्टर नहीं होगा, फर्स्ट भी करवाएंगे। पहले थर्ड चैप्टर देख लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल कर करके बहुत बोर हो गए हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल करते हैं कुछ। देखिए, यहाँ पे प्लस टू में आप पढ़ चुके हो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रेंज थ्योरम। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। रोल्स थ्योरम क्या होती है? इफ इफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज, फंक्शन लिया हमने, कोई कंडीशन क्या अप्लाई करनी है हमें, एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, ठीक है। सेकेंड इज एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल ए बी पे डेरिवेबल होना चाहिए एंड क्लोज इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस होना चाहिए। और थर्ड कंडीशन क्या कहती है? आप किस इंटरवल पे चेक कर रहे हो? ए बी इंटरवल पे हम चेक कर रहे हैं कि रोल्स थ्योरम अप्लाई है कि नहीं है, ठीक है। तो रोल्स थ्योरम हम कैसे करते हैं? फंक्शन एफ एक्स को सबसे पहले आप चेक करेंगे कंटिन्यूस है कि नहीं, फिर हम डेरिवेबल चेक करते हैं ऑन ओपन इंटरवल, थर्ड हम चेक करते हैं कि क्या एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी है। अगर तीनों कंडीशन होल्ड करते हैं देन देर एग्जिस्ट अन पॉजिटिव नंबर, या फिर आप कोई भी नंबर बोल लीजिए, देर एग्जिस्ट अ नंबर सी बिलोंग्स टू ए बी। देखिए, सी नंबर कहाँ लाई करना चाहिए? ओपन इंटरवल ए बी में होना चाहिए, क्लोज में नहीं लेके चलना। यानी सी की वैल्यू ए और बी नहीं हो सकती, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। सी बिलोंग्स टू ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। अंडरस्टैंड? हम अप्लाई कैसे करते हैं? सबसे पहले फंक्शन को चेक करते हैं कंटिन्यूस डेरिवेबल एंड एफ ओफ इक्वल टू एफ ओ बी। अगर तीनों कंडीशन होल्ड करता है देन हम एफ डैश सी को जीरो पुट करते हैं, वहाँ से हम सी की वैल्यू निकालते हैं और हम देखते हैं क्या सी की वैल्यू उस इंटरवल में लाइक करती है या नहीं करती। अगर सी की वैल्यू इस इंटरवल में लाइक करती है दैट मीन्स रोल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल, अदरवाइज इज इट इज नॉट एप्लीकेबल। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? ये चीज़ आप प्लस टू में कर चुके हैं। फंक्शन फर्स्ट कंडीशन हम चेक करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस ऑन इंटरवल ए बी। सेकेंड इज एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। दैट मीन्स डेरिवेबल का मतलब क्या है? एफ डैश एक्स एग्जिस्ट, एफ डैश एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए किसमें? ए बी इंटरवल में। यानी कि कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। जैसे आप डेरिवेटिव निकालेंगे और एक्स की वैल्यू अगर हम ए की बी के इंटरवल के मिड में कोई भी वैल्यू लेते हैं और एफ डैश एक्स में पुट करेंगे तो वहाँ से हमारी फाइनाइट वैल्यू आनी चाहिए, इन्फिनिटी आंसर नहीं आना चाहिए, ओके। थर्ड इज इसमें थर्ड कंडीशन नहीं होती, इसमें दो ही कंडीशन होती है रोल्स थ्योरम में हमारे पास, तीन कंडीशन होती है, ठीक है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट, यहाँ पे भी आप सी को कहाँ लेके जाएंगे? ओपन इंटरवल ए बी में हमारा लाइक करना चाहिए, सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाय बी माइनस ए, ठीक है। रोल्स थ्योरम के लिए कंडीशन होती है कि एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, और लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम के लिए कंडीशन होती है एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये रिजल्ट्स आपके यूज होंगे जो हम एक्सरसाइज 3.1 करने जा रहे हैं, जो हम वहाँ पे टेलर थ्योरम करेंगे। उसके लिए आपको इनको जो है इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म। टेलर थ्योरम कर रहे हैं किस फॉर्म में? लैग्रेंजेस फॉर्म में, ऑफ रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। देखिए, यहाँ से स्टेटमेंट क्या गिवन होंगे, एग्जाम में आपके पास बाय नेम भी आ जाएगा कि टेलर थ्योरम विद लैग्रेंजेस फॉर्म आप प्रूव कीजिए, ठीक है। आपको अभी कैसे करनी है ये आपको याद भी करनी है और इसका प्रूफ देखिए। स्टेटमेंट क्या कहता है? इफ़ अ फंक्शन एफ एक्स इज सच दैट, फर्स्ट कंडीशन हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स, एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स, एफ एन माइनस वन। दैट मीन्स एफ का डेरिवेटिव एन माइनस वन टाइम्स। ये सारे डेरिवेटिव्स दे रखे हैं, आर कंटिन्यूस
दीज आर कॉन्टिन्यूस इन क्लोज इंटरवल ए ए प्लस एच। ठीक है, हम जो थ्योरम निकाल रहे हैं ये ए से ए प्लस एच इस इंटरवल पे प्रूव कर रहे हैं। तो हमें क्या गिवन है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड इट्स डेरिवेटिव्स ऑफ एन माइनस वन टाइम दीज आर कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इन क्लोज इंटरवल एंड एफ एन एक्स, दैट मीन्स एफ एन एक्स का क्या मीनिंग है यहाँ पे, एफ जो एफ का है वो nth डेरिवेटिव एंड nth डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा इन ओपन इंटरवल ए ए प्लस एच। ठीक है, दैट मीन्स एफ फंक्शन जो वो डेरिवेबल होगा इन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा लाइज बिटवीन जीरो टू वन, थीटा की वैल्यू जो जीरो से वन के बीच में लाई करेगी, सच दैट हमें प्रूव करना है एफ ओफ ए प्लस एच किसके इक्वल आना चाहिए, एफ ओफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए प्लस एस स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश ए अप टू सॉन, ये एन माइनस वन टर्म है एंड दिस इज एन एस टर्म है, ये आपको प्रूव करना है यहाँ पे। तो अगर बाय नेम आती है तो ये कंप्लीट स्टेटमेंट आपको लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए, कंसीडर ए फंक्शन एक फंक्शन हम ले लेते हैं एफ ऑफ एक्स, कैपिटल एफ ऑफ एक्स हम लेके चलते हैं, ये हम जो है ये थोड़ा सा आपको रिमाइंड रखना पड़ेगा, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स हमने लिया एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस अप टू सॉन ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन एक्स। जितने आप जो वो यहाँ पे डेरिवेटिव दे रहे हो एफ का डेरिवेटिव एन माइनस वन टाइम उसी फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे। ठीक है, प्लस लास्ट हम लेते हैं जो देखिए हमने किस टाइप से लिया है जो कि हमें ये प्रूव कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमने ले लिया कि कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स हम लेके चल रहे हैं एंड लास्ट टर्म एच रेज टू पावर एन अपॉन एन थीटा एफ एन ए प्लस थीटा एच है, तो लास्ट टर्म को आपको लेना है ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन इंटू एन फैक्टोरियल इंटू ए कॉन्स्टेंट ए, यानी कि इसमें हम एफ एन एक्स नहीं लेंगे, यहाँ पे हमने लिया कोई कॉन्स्टेंट ए और ए कॉन्स्टेंट क्योंकि हमने खुद यहाँ पे सेट किया है, सच दैट पहले आप बताइए कि वेयर ए इज अ कॉन्स्टेंट, ए इज कॉन्स्टेंट सच दैट कि ए इस तरह से हमने कॉन्स्टेंट यहाँ पे अरेंज किया है जहाँ पे एफ ऑफ ए कैपिटल एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाए, समझ गए कि हम किस इंटरवल पे चेक कर रहे हैं ए टू ए प्लस एच। अगर मैं जो मैंने यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन लिया है इन दिस फॉर्म, अगर मैं यहाँ पे ए पुट करती हूँ तो इसकी वैल्यू एफ ऑफ एच ए प्लस एच की इक्वल आनी चाहिए। अंडरस्टैंड, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, बहुत लेंथी थ्योरम है, पता नहीं बोर्ड पे तो शायद रफ कर करके ही करवानी पड़ेगी यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे कि हम पुट कर लेते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू ए प्लस एच। अंडरस्टैंड, जो फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पे आप लिख भी दीजिए इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट करिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स को रखा है मैंने ए प्लस एच, ए प्लस एच दिस इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस, यहाँ पे देखिए जैसे ही आप यहाँ पे a प्लस एच रखते हैं यहाँ पे मैंने क्या रखना है x को a प्लस एच मेरे पास ऑलरेडी है, माइनस ऑफ a प्लस एच रखेंगे माइनस h, दोनों माइनस के हो जाएंगे एंड f डैश x। अब यहाँ पे देखिए कंप्लीट टर्म कैंसिल आउट मीन्स जीरो इंटू एफ डैश एक्स इज जीरो, कंप्लीट टर्म जीरो। ऐसे आप यहाँ पे पुट करते हैं x को a प्लस एच रखिए, बाहर माइनस है दोनों टर्म माइनस हो जाएंगी, देन जीरो यहाँ पे फिर से आ जाएगा जीरो इंटू दिस, यानी कि हर टर्म में हमारे पास इसको छोड़ के फर्स्ट टर्म को छोड़ के सबके पास a प्लस एच माइनस एक्स है, जैसे आप x को रखेंगे a प्लस देन ऑल टर्म ऑल दीज टर्म्स बिकम्स जीरो बिकॉज सबके पास a प्लस एच माइनस एक्स ये टर्म है और इसमें x के प्लेस पे पुट करते हैं a प्लस एच तो सारे टर्म्स हमारे जीरो बन जाएंगे। ठीक है, देन इसको मैं रफ कर दूँ यहाँ से क्योंकि जीरो बनेगी यहाँ से,
अगर मैं एक्स को ए प्लस एच पुट करती हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आता है एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच। ठीक है, दिस इज इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ से देखते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच और एफ ऑफ ए प्लस एच किसके इक्वल है एफ ऑफ ए प्लस एच के स्मॉल के। तो यहाँ से आ जाएगा एफ ऑफ ए इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस एच। क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं ए पुट कर देती हूँ कंप्लीट इन इक्वेशन फर्स्ट देन हम यहाँ पे वैल्यू निकाल सकते हैं एफ ऑफ ए प्लस एच की। समझ गए। अगर यहाँ पे एक्स को हम रख देते हैं ए एक्स इक्वल टू ए इन इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्ट रिजल्ट लिख रही हूँ मैं क्या आएगा इक्वेशन में एक्स को ए पुट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या आता है एफ ऑफ क्योंकि हमने कैपिटल एफ ऑफ एक्स ले रखा है ना तो यहाँ पे हम ए पुट कर रहे हैं एफ ऑफ ए दिस इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के प्लेस पे आ जाएगा स्मॉल एफ ऑफ ए प्लस यहाँ पे आप एक्स को ए पुट करेंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा। अंडरस्टैंड, अगर हम यहाँ पे ए पुट करते हैं दिस इज माइनस ए दिस इज प्लस ए रिमेनिंग फैक्टर इज एच इंटू एफ डैश ए। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट यहाँ पे आप ए पुट करते हैं ए से ए फिर से कैंसिल दिस इज एच स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस ऑफ टू सो ऑन। आप एन माइनस वन टर्म में रखिए यहाँ पे ए रखा मैंने एक्स को देन ए से ए कैंसिल यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर इज एच रेज टू पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन फैक्टोरियल एंड एफ माइनस एन माइनस वन डेरिवेटिव और सॉरी यहाँ पे भी ए आएगा भाई क्योंकि हमने एक्स को ए पुट किया है एफ एन माइनस वन ए एंड लास्ट टर्म इज ए पुट किया हमने फिर से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एच रेज टू पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल इंटू ए ए कॉन्स्टेंट। अब यहाँ पे देखिए कि अगर जो हम प्रूव कर रहे हैं जो हमें ये स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है एफ ओफ ए प्लस एच एफ डैश ए एच एफ डैश एच स्क्वायर देन हमारी कंप्लीट यहाँ से आ जाती है लेकिन लास्ट जो टर्म है यहाँ पे लास्ट टर्म को यानी कि मुझे ए की वैल्यू निकालनी है और ए की वैल्यू मेरे पास ये आने चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एफ ओफ ए हमने किसके इक्वल यहाँ से निकाला है सेकेंड और थर्ड इक्वेशन से स्मॉल एफ ओफ ए प्लस एच तो हम इसको लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू स्मॉल एफ ओफ ए प्लस एच और यही हमें चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पे स्मॉल एफ ओफ ए प्लस एच। देन हमने कंप्लीट जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पे देख लिया बट हमें ए की वैल्यू क्या आनी चाहिए एफ एन ए प्लस देन इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फोर्थ। अब हम चलते हैं ए की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। ठीक है, अब आप फर्स्ट इक्वेशन पे आ जाइए दिस इक्वेशन यह इक्वेशन फर्स्ट है कैपिटल एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हमने ले रखी है हम इस पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे टू अप्लाई रोल्स थ्योरम ऑन एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स पे रोल्स थ्योरम अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए कि एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस इन इंटरवल क्लोज इंटरवल ए टू ए प्लस एच क्योंकि हम ये जो सारा यहाँ पे निकाल रहे हैं ए टू ए प्लस एच हमें निकालना है टेलर थ्योरम ए टू ए प्लस एच। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखिए एफ ऑफ एक्स को कंटिन्यूस देखना है पे। अब कंटिन्यूस कैसे चेक करना है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू देखिए हमने क्या ले रखी है स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश एक्स। ठीक है, एंड ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू फैक्टर यानी कि दो दो यहाँ पे जैसे ये हो गया पॉलिनोमियल दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल एंड अदर देन एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अप टू सो ऑन एफ एन माइनस वन एक्स फंक्शन हमारे यूज हो रहे हैं इसके अंदर एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अप टू सो ऑन एफ एन माइनस वन एक्स ये सारे अगर कॉन्टीन्यूअस हैं राइट हैंड साइड अगर हमारी कॉन्टीन्यूअस है तभी तो एफ ऑफ एक्स कॉन्टीन्यूअस होगा। तो यहाँ पे हम बताते हैं कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ऑफ एन माइनस वन एक्स एंड दिस इज अ कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट टर्म तो वैसे ही कॉन्टीन्यूअस होती है। देन यहाँ पे देखिए हमें फर्स्ट क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल एन माइनस वन एक्स आर कॉन्टीन्यूअस ये कंडीशन आपको गिवन है। देन यहाँ से हम लिख देंगे कि दीज आर कॉन्टीन्यूअस क्यों क्योंकि ये आपको कंडीशन गिवन है। फिर क्या रिमेनिंग फैक्टर है यहाँ पे ए प्लस एच माइनस एक्स फर्स्ट इज ए प्लस एच माइनस एक्स
सेकेंड टर्म में क्या, थर्ड टर्म में क्या यूज हुआ है, ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट इज, चलते जाएंगे हम यहाँ पे, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन, एंड दीज आर, अब लास्ट लिख लेते हैं हम एफ ऑफ ए प्लस एक्स की पावर एन, दीज आर द पॉलिनोमियल इन एक्स एंड दीज आर ऑल कंटिन्यूस, क्योंकि पॉलिनोमियल जो वो कंटिन्यूस होती है, ठीक है, दीज आर कंटिन्यूस एज पॉलिनोमियल्स इन एक्स, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसलिए एक्स में जो है कॉन्टिन्यूस है। देन हमने जो ऑल टर्म्स, यहाँ पे हर एक टर्म हमने बता दिया कि ये भी कॉन्टिन्यूस, ये भी कॉन्टिन्यूस, देन कंप्लीट टर्म्स आर कॉन्टिन्यूस, सो एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। तो यहाँ से हमने फर्स्ट प्रूव कर दिया कि एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स इज ए कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल। अब सेकेंड देखिए, रॉस थ्योरम की सेकेंड कंडीशन क्या होती है, हमें यहाँ से प्रूव करना है एफ ऑफ एक्स इज डेरिवेबल, डेरिवेबल इन इंटरवल ए टू ए प्लस एच इन ओपन इंटरवल, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, सेकेंड कंडीशन देखिए, एफ एन एक्स एग्जिस्ट, हमें दे रखा है कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट इन ओपन इंटरवल ए टू ए प्लस एच। तो जो फंक्शन है, दीज आर डेरिवेबल बिकॉज ये हमें गिवन है, ओके, एंड पॉलिनोमियल, यहाँ पे फिर से वही पॉलिनोमियल की बात आती है, पॉलिनोमियल आर ऑल्सो डेरिवेबल इन दिस इंटरवल, ओके। तो हम यहां से कह सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज ऑल्सो डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल एफ ऑफ, देन यहां से आपको लिखना पड़ेगा कि एफ एन एक्स आर कंटिन्यू, जो यहाँ पे बस दे रखा है कि एफ एन एक्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए यहां पे एग्जिस्ट, सो एफ एक्स एफ डैश एक्स एफ डबल डैश एक्स अप टू सो एफ एन माइनस वन एक्स, दीज आर ऑल डेरिवेबल, ये आपको गिवन है कंडीशन, ओके। और क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल हमारा रिमेनिंग फैक्टर है, ये आपके पास डेरिवेबल ऑल्सो, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल्स है, इसलिए हमारा पूरा एफ ओ फैक्स जो है कैपिटल एफ ओ फैक्स इज डेरिवेबल इन दिस इंटरवल। एंड थर्ड कंडीशन, अब जिस इंटरवल पे चेक करते हैं, जैसे कि आपने प्लस टू में पढ़ाया कि हम अगर ए बी पे निकालते हैं तो एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी आना चाहिए, थर्ड हमारी ये कंडीशन होती है, यानी कि जो इंटरवल चेक कर रहे हो वहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट नंबर पे फंक्शन हमारा इक्वल आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, जो हमने लिया था ए कांस्टेंट, सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन हमने ए कांस्टेंट, इस यहाँ पे ऐसा कांस्टेंट है जहाँ पे कंडीशन प्रूव होती है एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच, एंड दिस इज अ कैपिटल एफ, इसी के लिए हमने ये लेके चले थे ताकि हम यहाँ पे इसका यूज कर सकें। थर्ड कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ, कैपिटल है ये, कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल हो गया, यहाँ से थर्ड कंडीशन होल्ड कर दी हमने यहाँ पे, ये आप लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, सेकंड इक्वेशन से इसका हमने यूज किया। अब देखेंगे तो तीनों कंडीशंस रॉल्स थ्योरम की यहाँ पे प्रूव हो जाती है, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स सेटिस्फाइज ऑल कंडीशंस ऑफ रॉल्स थ्योरम, ठीक है। अगर रॉल्स थ्योरम कंडीशन होल्ड कर रही है, देन देयर एग्जिस्ट अ रियल नंबर थीटा, सच जो थीटा की वैल्यू आप कहाँ से कहाँ तक लाई करवाएंगे, जीरो से वन, सच दैट, कंडीशन क्या होल्ड आएगी, एफ ऑफ एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू जीरो, दिस इज इक्वेशन फिफ्थ ले लीजिए, चार तक हमने यूज कर लिया इक्वेशन फिफ्थ, ठीक है। जैसे हम एफ डैश सी इक्वल टू जीरो लेते हैं, यहाँ पे अकॉर्डिंग अवर थ्योरम हम क्या लेंगे, एफ डैश ए प्लस एच, ए प्लस थीटा एच इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हमने फिफ्थ कंडीशन इक्वेशन हो गई हमारी, अब आ जाइए फर्स्ट इक्वेशन पे, डिफरेंशिएट इक्वेशन फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करते हैं, देन एफ डैश एक्स, ये हम डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एफ डैश ए प्लस थीटा एच, तो हमें क्या चाहिएगा, इसका डेरिवेटिव, आप डेरिवेटिव कीजिए यहाँ से, दिस बिकम्स एफ डैश एक्स प्लस सेकेंड टर्म का अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, दिस इज द सेकेंड टर्म एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, यानी रूल अप्लाई होगा यू इंटू वी, प्रोडक्ट मेथड ऑफ डिफरेंशिएबल, यानी कि अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ ए प्लस एच माइनस एक्स, देन यहाँ से आ जाएगा माइनस वन, यहाँ पे अप्लाई इससे लिख देती हूँ मैं, एक को एज इट इज लेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, दिस इज इनका डेरिवेटिव करते हैं, दिस जीरो एंड एक्स का माइनस वन, और एफ डैश एक्स एज इट इज, इसको भी हटा देते हैं वन को भी,
एंड सेकेंड टाइम ए प्लस एच माइनस एक्स एज इट इज लेंगे और एफ डैश का करेंगे तो एफ डबल डैश आ जाएगा. अंडरस्टैंड? फिर हम करते हैं नेक्स्ट टर्म का डेरिवेटिव. ओके, ये आ जाएगा यहाँ से प्लस वन बाय टू फैक्टोरियल, वन बाय टू फैक्टोरियल, एंड इसका हम करेंगे यू इंटू वी. तो सबसे पहले इसका कीजिए डेरिवेटिव, टू टाइम्स टू इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स, पावर वन रह जाएगी. और जब आप बेस का डेरिवेटिव करेंगे तो ये फैक्टर माइनस का आ जाएगा. अंडरस्टैंड? एफ डबल डैश एक्स एज इट इज. एंड नेक्स्ट टाइम ए प्लस एच माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल एज इट इज, एफ डैश डबल का हो जाएगा ट्रिपल डैश. समझ गए? इसको एज इट इज लिया, इसका डेरिवेटिव कर दिया हमने. प्लस अप टू सॉन आप करेंगे एन माइनस वन टर्म, वन बाय टू फैक्टोरियल हमने दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लिया है. दिस इज एन माइनस वन, वन बाय माइनस वन ये कॉन्स्टेंट हो गया हमारा. और यहाँ से देखिए अगर आप इसका डेरिवेटिव करते हैं एन माइनस वन पावर आगे आ जाएगी ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर कितनी बन जाएगी यहाँ पे एन माइनस टू, सॉरी एक और माइनस हो जाएगा. ठीक है, और डिवीजन में हमने कर लिया यहाँ पे एज इट इज आ जाएगा एफ एन माइनस वन इंटू एक्स. एंड प्लस में जो प्रोडक्ट मेथड अप्लाई करेंगे दिस बिकम्स वन बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल ए प्लस एच माइनस एक्स बाय की पावर एन माइनस वन, यानी कि ये फैक्टर हम एज इट इज रखेंगे और डेरिवेटिव करेंगे दिस. नेक्स्ट टाइम हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमने किया था कि ये एज इट इज लिया हमने और आप इसका डेरिवेटिव करेंगे. देखिए यहाँ पे एन माइनस वन थोड़ा डेरिवेटिव है, अगर हम एक टाइम और डेरिवेटिव कर लेते हैं यहाँ पे आ जाएगा एन माइनस वन प्लस वन कैंसिल, यानी कि इसका एक टाइम और डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा एफ एन एक्स प्लस लास्ट टर्म का डेरिवेटिव कीजिए एन एथ टर्म का एन इन टू ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर, यहाँ पे अगर आप डेरिवेटिव करते हैं एन माइनस वन डिवाइड बाय एन फैक्टोरियल इन टू ए. ठीक है, अब जो टर्म्स हैं वो देखिए यहाँ पे ये टर्म पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल आउट, एफ डैश एक्स से एफ डैश एक्स कैंसिल, इस तरह से सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी. ये आ जाएगा आपके पास आगे टर्म आ जाएगी इसके पास, और ये नेगेटिव है एन माइनस टू, ये आपके पास जो आगे टर्म्स आएंगी इससे पहले जो इसके पहले वाली टर्म्स यानी इससे पहले वाली टर्म का डेरिवेटिव करेंगे तो ये उससे कैंसिल आउट हो जाएगी. सिर्फ दो टर्म बचेंगे हमारे पास, दिस एंड दिस. ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रफ करके कर लेते हैं, इसको हटाएंगे यहाँ से. बहुत ही लेंथी थ्योरम है और मिस्टेक होने के बहुत चांस है, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा आपको इसको. देखिए अब हम वैल्यू देखते हैं, एफ डैश एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है द ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए एन इंटू एन फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल को सॉल्व करके हम लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल, एन से एन कैन, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए. कॉमन ले लेते हैं यहाँ से ए प्लस एच माइनस एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर इज एफ एन एक्स, एंड यहाँ से आ जाएगा प्लस ए. सानी जी देखिए यहाँ पे जब हम एन एक्स टर्म का डेरिवेटिव कर रहे थे तो हमने बेस का नहीं किया भाई, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि जब हम माइनस एक्स का करेंगे तो माइनस अप्लाई होगा, ये भी माइनस एंड यहाँ पे भी माइनस आएगा. नाउ एक्स को पुट कीजिए ए प्लस थीटा एच, क्यों? क्योंकि हमारे पास है एफ डैश ए प्लस थीटा एच इक्वल टू जीरो. ठीक है, ये हम पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एफ डैश ए प्लस थीटा एच दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे पुट करते हैं हम, एक्स को पुट किया हमने ए प्लस एच माइनस ए माइनस थीटा एच, ओके रेज टू पावर एन माइनस वन डिवाइड बाय एन माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए. जहाँ जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे हमने ए प्लस थीटा एच रख लिया, ए से कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, एंड इसको सॉल्व करेंगे
सॉल्व कीजिए इसको, h कॉमन आ जाएगा, h की पावर n माइनस वन जो कॉमन, यहाँ से आ जाएगा वन माइनस थीटा रेज टू पावर n माइनस वन डिवाइड बाय n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए, ठीक है। और ये हमें क्या दे रखा है फ्रॉम फिफ्थ इक्वेशन इक्वल टू जीरो, दिस फैक्टर बिकम्स जीरो एंड a की वैल्यू आ जाएगी एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए या माइन इक्वल टू जीरो। यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे ना, या कंप्लीट को आप पहले जीरो पुट कर लीजिए, यहाँ पे हम इसको जीरो लेते हैं, देन एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए इक्वल टू, देन एफ डैश हमारे पास फिफ्थ इक्वेशन दे रखा है ए प्लस थीटा एच इक्वल टू जीरो, देन ये वैल्यू जो हमने यहाँ से फाइंड आउट की है इस वैल्यू को आप इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, देन दिस बिकम्स जीरो और यहाँ से आ जाएगा एफ एन ए प्लस थीटा एच माइनस ए इक्वल टू जीरो एंड ए की वैल्यू आ जाएगी एफ एन ए प्लस थीटा एच। अब इसको आप पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में प्रूव करेंगे तो जो आपको स्टेटमेंट प्रूव करनी थी कंप्लीट वहाँ से आ जाएगी। अब जैसे आप यहाँ पे फर्स्ट में नहीं सॉरी फोर्थ में पुट कीजिए, इक्वेशन फोर्थ ये रही हमारे पास, चलो रफ नहीं किया, यहाँ से यहाँ पे आप पुट कर दीजिए ए के प्लेस पे, देन एफ एन ए प्लस थीटा एच एंड रिजल्ट आपको मिल जाएगा एज अ टेलर थ्योरम फ्रॉम जो विद लैंग्वेजेस फॉर्म रिमाइंडर आफ्टर एन टर्म्स। तो इस तरह से आपको इसका प्रूफ करना है और नेक्स्ट लेक्चर में इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे और बाकी जो थ्योरम्स रहती हैं 3.1 की, यानी कि क्वेश्चंस भी वही हैं, स्टार्टिंग के चार क्वेश्चंस यही थ्योरम्स दे रखी हैं आपके पास, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक इसको ट्राई कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।